हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। सो एज आपको नाम समझ आ रहा है, इस बहुबुद्धि का मतलब है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आज हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ेंगे गार्डनर की। आप इसके नाम से कंफ्यूज मत होना कि ये थ्योरी बहुबुद्धि कारक के सिद्धांत जैसा तो नहीं है। नहीं, बहुबुद्धि कारक का सिद्धांत था, बहुबुद्धि कारक का सिद्धांत जो था, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो थी ऑफ इंटेलिजेंस की, वो थ्योरी अलग है। वो थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। और टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो दी थी, वो दी थी स्पीयरमैन ने। तो ये जो ये थ्योरी है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की है। ये मल्टीपल, ये बहुबुद्धि मल्टी फैक्टर थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी अलग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गार्डनर जो थे, गार्डनर एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जैसे पहले लोग मानते थे कि बुद्धि एक होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस एक होता है, बट हार्वर्ड गार्डनर, इनका पूरा नाम था हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को समझने या समझाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तरीकों के आधार पर इन्होंने बताया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया इन्होंने। और बहुबुद्धि कैसी होती है, मतलब इस बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है। ये पहला, इन्होंने तीन कारक बताए थे, ठीक है, पर बल दिया था बहुबुद्धि को बताने के लिए, ठीक है। तो बुद्धि जो होती है, बुद्धि का स्वरूप एक ना हो, एकांकी ना होकर बहुकार की होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है, एक ना होकर उसका स्वरूप बहुत होता है, तथा प्रत्येक बुद्धि बुद्धि का दूसरे से अलग होती है। इन्होंने बताया जितनी भी बुद्धि होती है, एक बुद्धि नहीं होती, अलग अलग बुद्धि होती है, और सभी एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक। प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जो भी जिस बुद्धि का हम जहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वो बुद्धि अलग होती है, ठीक है। हम हर कार्य को करने का तरीका अलग होता है, तो वहाँ अलग अलग बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं। इन ये यही बताना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ और काम कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ अलग बुद्धि होगी। हम सोच रहे हैं, यहाँ अलग बुद्धि होगी। अगर हम दौड़ रहे हैं, यहाँ अलग बुद्धि होगी। तो मतलब इनका यही कहने का मतलब था कि ये सारी बुद्धि एक दूसरे से अलग होती हैं। बुद्धि विभिन्न प्रकार की प्रकारों में एक दूसरे से मतलब बुद्धि जो होती है, वो विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब एक बुद्धि का अंतःक्रिया करने का मतलब है कि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि के साथ समायोजन कर सकती है। अगर एक एक जगह अगर एक बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ दूसरी बुद्धि का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें अंतःक्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। अब प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो उनमें बुद्धि अलग अलग होती है। तो इसी आधार पर इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जो कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से भिन्न है, जो थॉर्नडाइक ने दी थी। तो गार्डनर ने आठ प्रकार की बुद्धि बताई थी। ये स्टार्टिंग में इन्होंने आठ बताई थी, लेकिन ये बाद में जाके नौ हो गई थी। कितनी हो गई थी? नौ, ठीक है। ये बाद में जाके नौ हो गई थी, लेकिन अभी हम आठ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट का मैं बता दूंगी आपको। तो आठ प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई थी। फर्स्ट जो है वो भाषागत या भाषाई बुद्धि भी कही जाती है इसको। ये लिंग्विस्टिक होता है, ठीक। ये लिंग्विस्टिक होता है। इसके अंतर्गत आपको समझ आ रहा है कि जो भी भाषा से हो रिलेटेड होती है, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा का प्रवाह, अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है। जैसे कवि, लेखक, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो। ऐसे ये नहीं आते, ये हमारे में से ही होते हैं। कवि, लेखक को हम लोगों में से ही तो बनते हैं। तो भाषागत का मतलब यही है कि आपका जो शब्द क्षमता हो, शब्द भंडार हो, वोकैबुलरी हो, वो बहुत ज़्यादा हो। आप शब्द का प्रयोग क्या करते हो, शब्द बनाने की क्षमता हो आप में। आप शब्द का प्रयोग लिखने में करते हो, ठीक। शब्द का प्रयोग बोलने में करते हो। अगर आपको कहीं पे स्पीच देनी हो, तो आप शब्द का प्रयोग करते हो, तो आपका शब्द भंडार बहुत बड़ा हो। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, इस प्रकार की बुद्धि होती है, ये भाषाई बुद्धि होती है, जिसमें आपका शब्द भंडार बहुत ज़्यादा हो।
ठीक है, तो इस प्रकार में हम समझ सकते हैं कि लेखक और कवि आते हैं क्योंकि उनका शब्द भंडार बहुत होता है, वो ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि होती है फर्स्ट भाषाई बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरी जो बुद्धि होती है वो तार्किक या गणितीय या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणित समस्या का समाधान करने की क्षमता, अंकों को क्रम में पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता होती है। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है इसमें आप तर्क करने की क्षमता होती है, मैथ के क्वेश्चन अंकों को पहचानने उनका समाधान करने की क्षमता होती है, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है तार्किक गणितीय। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे हम तार्किक या लॉजिकल बुद्धि कहते हैं, और ये ज़्यादातर देखा गया है जो मैथमेटिशियन होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हो, क्योंकि ये वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हम ही लोगों में से होते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया है ये। सेकंड है स्थानिक बुद्धि, जिसे हम स्थानिक बुद्धि कहते हैं या स्पेशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। ठीक है, स्थानिक बुद्धि से आप क्या समझ रहे हो कि इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। स्थानिक बुद्धि का मतलब यही है कि आपकी जो कल्पना शक्ति है, लाइक आप कहीं एक बार किसी जगह जाते हो, ठीक है, ड्राइव करके जाते हो या बाई वॉक करके या बाई बाई रोड कहीं जाते हो, ठीक है, तो आप एक बार गए फिर उस जगह पे आप चले जाते हो दोबारा, विदाउट विदाउट नेविग मतलब यूजिंग नेविगेशन की, ऐसे ही चले जाते हो, आपको रूट याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो रूट याद हो जाता है, आपको वो भौगोलिक जो मैप होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है इसमें स्थानिक बुद्धि इसलिए कहा गया है। लाइक एरोप्लेन जो पायलट होते हैं ये लोग चलाते हैं, विमान चालक होता है तो वो चलाते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्शन का पता चल जाता है एक बार, क्योंकि वो दो बार उसी जगह जाते हैं। तो इस तरीके से जो बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ होता है स्थानिक बुद्धि होता है। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि मूर्तिकार, मतलब मूर्तिकार के लिए इसलिए बताया गया क्योंकि वो एक पिक्चर को देख लेते हैं या किसी ऐसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो उसको बना देते हैं, कोई ड्रॉ कर लेते हैं, लोगों को एक बार देख लेते हैं तो वो ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, उनका स्केच बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो मूर्तिकार, नेविगेटर आते हैं, अधिकारी वेक्षण संरक्षण संरक्षण अधिकारी आते हैं, इंजीनियर आते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शन का बोध हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है थर्ड टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दिया था, ये थर्ड टाइप है। फोर्थ टाइप है जिसे सांगीतिक गायन बुद्धि कहते हैं या म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि का मतलब विभिन्न स्वरों पहचानना, गाना, ताल, लय आदि, गौरव आदि का बोध होता है। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा, तो ये म्यूजिक से रिलेटेड है। तो इसमें इस प्रकार की बुद्धि उनमें पाई जाती है जो ताल लय गति औरों का सही प्रयोग करना चाहते हैं, उनका बोध होता है उनको। तो ये ज़्यादातर देखा गया संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनमें होती है, क्योंकि उनको औरों ताल लय का सही बोध होता है। और ये लोग हमारे में से ही तो होते हैं, ये संगीतकार गायकार हमारे लोग हमारे में से ही तो बनते हैं, तो पर इनको इन सब चीज़ों का बोध होता है। ठीक है, कि किस तरीके से गाना गाया जाए, किस लय का कहाँ प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें गार्डनर ने बताया कि इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि या बॉडली अकानेस्थेटिक इंटेलिजेंस आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक से समझ आ रही है ये शरीर से या बॉडी से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है, ये अभिव्यक्ति के लिए अपने शरीर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यों के लिए शारीरिक अंगों का कुशलता प्रयोग प्रयोग करना। इसमें आपको अपनी बॉडी को किस प्रकार घुमाना है, किस प्रकार मूव करना है, तो इस प्रकार की बुद्धि इसमें आती है। बुद्धि आपको गाइड करती है कि आपकी बॉडी को किस तरीके से किधर लाना है। तो इस प्रकार की ज़्यादातर देखा जाता है कि स्पोर्ट्स वाले में होता है वो किस तरीके से अपने, लेकिन लेकिन इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना होगा। बुद्धि तो बस आपको डायरेक्शन देगी कि आपको
ये हाथ इस तरीके से हिलाना है, कहाँ लेके जाना है, तो इस तरीके के जो फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, या कह सकते हैं लचीलापन, कि बॉडी में जो लचीलापन है, तो ये ज़्यादातर डांसर में देखा गया है, वो अपने पैरों को किस तरीके से मूव करते हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्स में जो होते हैं, एथलेटिक होते हैं, जो न्यूरोसर्जन होते हैं, शिल्पकार होते हैं, इस प्रकार की बुद्धि उनमें देखी गई है। सिक्स टाइप जो है ये व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होती है, जिसे इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसे अंतः व्यक्तिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः व्यक्तिक, इनकेस कहीं आता है तो आप याद कर लेना इसको भी, अंतः व्यक्तिक। ठीक है, इससे समझ आ रहा है कि व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि मतलब इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस खुद से है, या व्यक्तिगत से है, मतलब आपसे एक एक पर्सन से है ये। ठीक है, जब भावों और संवेगों का निरीक्षण करने में, उनमें भेद करने तथा मानव व्यवहार का निर्देश करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, और इसमें क्या होता है कि आप अपने खुद के भावनाओं को, संवेगों को, जो आपके इमोशंस हैं, उसको आप कंट्रोल करना सीख जाते हो। रोना, आप कहीं गुस्सा होते हो, क्रोध आता है, एंगर आता है, हंसते हो, तो आप कहीं देखते हो कि सिचुएशन कैसी है, आप वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हो। तो आपको अपनी भावनाओं, संवेगों को कंट्रोल करने आता है, तो इस प्रकार की बुद्धि होती है, योगी संत में देखी गई है। वो अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रोना नहीं, रोते नहीं हैं, तो इसलिए इसको व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, ये इंट्रा है और अंतः व्यक्ति नाम भी इसको दिया गया है। सेवेंथ टाइप की जो बुद्धि है, ये भी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अब इसमें इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, उसमें इंट्रा था, इसमें इंटर है, इसे बोलते हैं अंतर, इसको अंतर व्यक्तिक बोलते हैं। वो अंतः व्यक्ति था या व्यक्तिक है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अन्य व्यक्तियों के भावों एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होती है, उनकी मनोदशाओं को जानकर उसके अनुसार व्यवहार करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों में होती है। उसमें अपनी भावनाओं को जानने की क्षमता थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता थी। इसमें इंटरपर्सनल की वजह से ये अन्य बुद्धि हो जाता है, तो इसमें दूसरे के भावों को जानने की क्षमता होती है, उसके इमोशन, उसके मूड को जानने की क्षमता होती है, कि उस किस तरीके से उसकी मनोदशा है, उसका मूड कैसा है, उस दूसरे की संवेगों या भावनाओं को जानने की क्षमता होती है। और इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादातर देखी गई है साइकोलॉजिस्ट में। आप अगर किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो आपकी बुद्धि के लिए, तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है कि वो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों में देखी गई है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, तो वो आपकी माइंड को पढ़ता है, आपकी जो मनोदशा है उसको जानता है। ठीक है, उसके बाद एट टाइप जो बुद्धि है, ये प्रकृतिवादी है। अब इससे भी समझ आ रही है कि नेचुरलिस्टिक्स है या नेचर से संबंधित होता है। तो नेचर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक। किसान कहने का मतलब ये है कि वो नेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। किसान से आप समझ लीजिए कि किसान को पता होता है कि अब वर्षा होनी चाहिए, अब बारिश होगा तो सही है, अगर इतना बाढ़ आ जाएगा तो क्या नुकसान हो सकता है, कितने फायदे हैं, तो वो नेचर के बारे में ज़्यादा जानते हैं। और पर्यटक होते हैं, वो भी दूर दूर से नेचर का ऑब्जर्व करते हैं, दूर दूर घूम घूम के, तो उनको भी ज़्यादा जानकारी होती है कि कौन सी चीज़ें जो नेचर में हो रही है हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस समय, तो इस प्रकार की जानकारी उनको होती है। इसलिए ये प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस होता है, या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है नाइन्थ, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसको मैंने बताया था एट प्रकार, लेकिन ये 2000 में जोड़ी गई थी, मतलब संशोधन किया गया था, तो 2000 में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या होता है, ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है अस्तित्ववादी से। इसमें मानव संसार के छिपे रहस्यों, जिंदगी, मौत तथा मानव की वास्तविकता को जानने की क्षमता होती है। इसमें रहस्यों को, मानव संसार के रहस्यों की, मानव की उत्पत्ति कब हुई, दुनिया कब बनी, मौत कब होगा, तो इस प्रकार की जो जानकारी रखते हैं वो इसमें आते हैं। और ये अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, ये नाइन्थ प्रकार है।
और ये जो जो 2000 में जोड़ा गया था, संशोधन किया गया था इसमें। इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादातर देखी गई है, दार्शनिक चिंतन जो फिलोसफर होते हैं उनमें ये प्रकार की बुद्धि देखी गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।